आसमान छूते पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते एक साल से कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास बनी है, जबकि डीजल भी 90 के दायरे में है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में पिछले एक साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अपने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की माने तो अगले कुछ महीनों में देश में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए लीटर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 15 रुपए लीटर पेट्रोल, वो भी भारत में। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पूरी तरह इथेनॉल पर चलने वाले वाहन लाए जाएंगे। अगस्त में टोयोटा कंपनी कार को लॉन्च कर रही है जो 60% इथेनॉल और 40% बिजली पर चलेगी। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जिससे जनता का भला होगा। गौरतलब है कि नितिन गडकरी लंबे वक्त से वैकल्पिक ईंधनों पर जोर दे रहे हैं। कुछ ही समय पहले वो हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली कार ड्राइव करते नजर आए। इसके अलावा वे फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों पर काफी जोर दे रहे हैं। गडकरी का मंत्रालय भी इलेक्ट्रिक कारों को खूब प्रमोट कर रहा है। वहीं सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने पर भी जोर दे रही है। हालांकि गडकरी का ये दावा अभी हकीकत बनने से कोसों दूर है। इलेक्ट्रिक वाहन देश में बिकने वाले कुल वाहनों की बिक्री का 10% से कम है। वहीं 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने साल 2025 की डेडलाइन सेट की है। ऐसे में गडकरी का यह दावा थोड़ा काल्पनिक भी है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया। इसके बाद मई में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन उसके बाद से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।